है गाइस, आज पुनः आप लोगों के लिए क्लास 12 के लिए खास करके जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप से, उसमें 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही भी क्वेश्चन है परीक्षा के व्यू से, तो इसी सवाल को हम बनाने के लिए जा रहे हैं। और आप लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक इसको क्या करके देखेंगे, समझेंगे और इसको सीरियसली आप इस पर क्या करेंगे, फोकस देंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक जहां तक हो सके उसको शेयर करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या है सो देख लीजिए। ये आपका VBI क्वेश्चन है, यह VBI क्वेश्चन आपका जो नंबर है यह है आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें है आपको फाइंड क्या करना है सो देख लीजिए। इसे फाइंड क्या क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ हिडन ग्रुप, कैलकुलेशन CULATION, कैलकुलेशन ऑफ हिडन ग्रुप HIDDEN, हिडन हिडन गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, ये आपको हिडन गुडविल आपको निकालना है। सबसे पहले ये दिमाग में लेकर चलिए कि हिडन गुडविल होता है क्या है। ये हिडन गुडविल जो है इसको हम लोग कहते हैं छिपी हुई ख्याति, उसी को कहते हैं गुप्त ख्याति। हिडन गुडविल में होता क्या है, गुप्त ख्याति में होता क्या है कि आपका न्यू पार्टनर आता है और न्यू पार्टनर जो है आपको जो पूंजी लाता है, कैपिटल लाता है, उसके आधार पर टोटल कैपिटल को फाइंड किया जाता है। ठीक है, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वह कुल कैपिटल को उसको फाइंड किया जाता है और माने कंबाइंड कैपिटल जो ABC तीनों पार्टनर का जो कंबाइंड कैपिटल होता है वो कैपिटल को आपको क्या किया जाता है, आपको निकाला जाता है। और सी का जो कुल कैपिटल होता है यानी कि जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का जो कुल कैपिटल होता है उस कुल कैपिटल में से आपका जो कंबाइंड कैपिटल है उसको घटा दिया जाता है, माने रिडक्स कर दिया जाता है, तो जो शेष राशि बचती है घटा कर जो आता है उसी का नाम हो जाता है हिडन गुडविल। क्या नाम होता है इसका, हिडन गुडविल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, छिपी हुई ख्याति, उसी को दूसरा नाम होता है गुप्त ख्याति। आइए हम लोग फाइंड कैसे करते हैं देख लेंगे। सबसे पहले ये जो VBI क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें आपका ये सीज का कैपिटल है, सीज कैपिटल CAPITAL, सीज कैपिटल, और ये आपका दिया है सीज शेयर SHARE, सीज शेयर। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू, सी जो है कैपिटल जो है नया पार्टनर है वो आपको 13,000 रुपया लाता है। ठीक है, उसका शेयर है 1/1 कितना दिया है 50। अगर सी का शेयर अगर 1 रुपीज है तो ये बराबर आपका होगा वाट। अब वाट का मान कैसे फाइंड करेंगे, इसको कोना कोनी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है इसके साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसके साथ क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। अब आइए अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या सो देख लीजिए। यह 1/5 कितना दिया, 5 वाट, 1/5 वाट बराबर होगा कितना, 13,000। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे वाट बराबर लिखेंगे कितना लिखे 13,000। ठीक है, और बटा में लिखेंगे कितना, 1/5 कितना गया 5, यह इंटू में आए तो किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आइए ये आपका होगा कितना, 13,000 हो गया, नहीं पूछे बटा 1 है, अंक उलट जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, तो ये होगा 5/1 होगा, तो 13×5 कितना होगा 65, ये आपका हो गया कितना 65,000। ये किसका कैपिटल निकल गया, सी का। अब देखिए जो बात हम बताए थे वही बात हम यहाँ लिख रहे हैं कि सी का, अब ये सी का जो कैपिटल है टोटल कैपिटल इसका कितना का, 65,000। आपका निकालना है हिडन गुडविल, क्या निकालना है आपका, हिडन गुडविल निकालना है। तो सबसे पहले कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे, लेकिन कंबाइंड कैपिटल कंबाइंड COMBINED कंबाइंड कैपिटल है ना, CA
PIPL, ठीक है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ लिखेंगे ABC, माने A है ना, B एंड लिखेंगे C, माने तीनों पार्टनर का आपको कंबाइंड कैपिटल आपको फाइंड करना है, जिसमें आपका A का कैपिटल दिया हुआ है 13,000, B का दिया है आपका 11,000, ये आपका दिया है कितना 13,000, ये आपका दिया है 13,000 A का, आप B का दिया 11,000 और फिर C का दिया है आपका 13,000, ये देख लीजिए तीनों कैपिटल 13 गुना कितना होगा 26,000 और 26,000 11,000, इसको जोड़ दीजिएगा 26,000 है और कितना 11,000, 6 कितना 7 और 2 कितना होगा 3, ये आपका होगा कितना 37,000, ये 26,000 हो गया, आई होगा 11,000 हो गया, ठीक है, उसी को जोड़िएगा तो आपका निकल जाए कितना 37,000, यह टोटल निकल गया आपका 37,000, यह निकल गया आपका टोटल कितना 37,000 निकल गया, देख लीजिए यह 37,000 निकल गया, आप ज्यादा आपका लिया 65,000, ये आपका निकल गया कितना 37,000, फिर जोड़ लीजिए 3 आपका कितना 6 हो गया, 1 कितना 2, 26,000 26,000 में हम लोग 11 जोड़ेंगे, 6 कितना 7 हो गया, 2 कितना 3, 37,000 हो गया। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है आपका हिडन गुडविल, क्या निकालना है हिडन गुडविल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे हिडन गुडविल HIDDEN हिडन गुडविल निकालेंगे, अब ये हिडन गुडविल गुडविल बराबर लिखेंगे, अब इसमें 65,000 है, ये 65,000 में से आपको घटाना है, ये आपका 65,000 में से घटाएंगे कितना 37,000, ये आपका 37,000 का घटाना है, आप घटाइए, ये 65,000 दिया है, ये 65,000 में से आपको घटाना है कितना 37,000, आपको क्या करना है घटाना है, यह 0 हो गया, 0 हो गया, 0 का 15, 7 गया, 8, 7, 15 हो गया, ये 5 में से 3 गया, 2 हो गया, ये आपका निकल गया कितना 28,000, देखिए ये हिडन गुडविल आपको जो निकला यही निकल गया, आपको कितना निकल गया 28,000 जो निकल गया आपका, ये हो गया हिडन गुडविल। हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, बार बार आपको बताते रहते हैं, ये हिडन गुडविल जो है, इस हिडन गुडविल को इसका दूसरा भी नाम होता है इनफॉर्ड गुडविल, क्या नाम होता है इसका इनफॉर्ड गुडविल भी इसका नाम होता है, इंग्लिश में इनफॉर्ड गुडविल भी कहते हैं हिडन गुडविल को, इसी को हम लोग गुप्त ख्याति कहते हैं, उसी को हिंदी में छिपी हुई ख्याति बोलते हैं। तो कैसे फाइंड हुआ, थोड़ा सा यहाँ सा आप बोर्ड पर ध्यान देंगे, कैसे फाइंड हुआ, सी का कैपिटल है, सी जो नया पार्टनर है जो फॉर्म में आता है तो 13,000 रुपया कैपिटल लेकर आता है, जो फ्यूचर में कहता है कि अब प्रॉफिट में 1/5 शेयर हम लेंगे, अगर इसका शेयर 1 है तो ये बराबर सी का कैपिटल बराबर वाट, तो वाट का मान निकालेंगे, तो ये इसका सी का कैपिटल निकल गया 65,000 और कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी टोटल कैपिटल आपका होगा 37,000 और हिडन गुडविल निकालेंगे तो सी का कैपिटल में से कंबाइंड कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो ये निकल गया आपका 65,000 माइनस 37,000 ये बराबर निकल गया आपको कितना 28,000 आपको निकल गया है। बात को समझ में आ रही क्या रही है, बात समझ में आ रहा है ना, आप देखिए ये ऊपर हम लिख भी दिए कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, हिडन गुडविल को कैसे हम लोग क्या करेंगे फाइंड करना है, यह पहले भी आपको लिख दिया गया है। अच्छा अब जो ये हिडन गुडविल जो निकल गया, तो ये हिडन गुडविल में आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो प्रश्न है अगर सिर्फ कहेगा हिडन गुडविल ही निकालने के लिए इतना पर छोड़ देंगे आपका आंसर आ गया, नहीं, इस सवाल में आपको कहेगा जनरल भी निकालने के लिए, तो जनरल भी आपको आराम से क्या कर सकते हैं निकाल सकते, क्यों कि सी ने कैपिटल भी लाया है और सी का जो नया पार्टनर है गुडविल भी लाया है, ठीक है, तो सबसे पहले ये गुडविल जो लाया है ये गुडविल को हम लोग पहले फाइंड क्या करेंगे, सो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या काम करना है, जो ये गुडविल जो है फॉर्म का गुडविल है सपोज दैट, तो इसमें आपका सी का शेयर निकाल, हिडन गुडविल में आपका सी का शेयर निकालेंगे, इसमें जो सी का शेयर है सी आपका लिखेंगे शेयर, सी शेयर लिखेंगे कितना का 28,000 है, 28,000 में गुने 1/5 कितना लिखेंगे 1/5 लिखेंगे 28,000 में, अब इसको आपको काटना है तो काटेंगे तो कितना इसका होगा, यह 5 कितना होगा 5 होगा 25 26 27 28 5 6 30 ये आ गया 5,600, ये आपका कितना आ गया 5,600 रुपया, ये आपका हो गया सीज का शेयर जो निकला 5,600 रुपया निकल गया, हिडन गुडविल में इसका हिस्सा निकल गया, ठीक है, आप ये हिडन गुडविल जो मैंने सी का जो शेयर निकल गया उस शेयर को
जब ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, किस रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो हम लोग बांटेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो खास करके आपका ओल्ड रेशियो ही आता है। क्या आता है? ओल्ड रेशियो ही आता है खास करके। हम लोग पहले सवाल में बताए थे कि आपको लेट दर करना है, टोटल प्रॉफिट मान लेना है कि एक रुपया हो गया, एक रुपया में से आपका जो नया पार्टनरशिप का शेयर है 1/5 इसको घटा देंगे, चार बटा कितना निकल गया, 5 निकल गया, चार बटा 5 में ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो 1/2 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। और उसके बाद ओल्ड रेशियो आपका 1:1 दिया है उसमें घटा दीजिएगा तो वही निकलेगा 1:1, वही निकलेगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसीलिए इसको हम लोग माने ए बी में हम लोग यही एस आर बराबर हम लोग लिख देंगे, ए का शेयर निकाल देंगे। इसी में ए का जो शेयर है ए शेयर हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5600 है, गुने लिखेंगे 1/2 कितना आएगा 2, काट देंगे उसको कितना, दुगुना कितना होगा, दुगुना होगा 4, 2×8 कितना 16, यह 2800। अब उसका भी होगा बीज का भी शेयर उतना ही होगा, बीज आपका शेयर कितना होगा, ये भी हो गया कितना 5000 कितना 600 और गुने 1/2 कितना 2 निकल गया, इसको काटेंगे तो 2000 कितना निकल गया 800 निकल गया, ये भी आपका 2000 हो गया कितना 800 हो गया, ये भी आपका निकल गया 2000 कितना निकल गया 800 निकल गया। अगर आपका जनरल एंट्री बनाना है, ये जो हम लोग फाइंड किए हैं आपका जो मतलब इसको हम लोग कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो 1:1 आया है, समाज बात को ना, वो हम इसको क्लियर नहीं किए हैं लेकिन हम जानते हैं कि ओल्ड रेशियो के बराबर ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है, इसीलिए हम लोग ओल्ड रेशियो में इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है। समाज बात को ना, वैसे लॉन्ग सवाल से जितना भी लॉन्ग सवाल बनता है उसी पर सब पर बनता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं होती है। इसलिए आप लोग इसको घबराना नहीं है, क्या भी आपको तो इसमें दिक्कत महसूस नहीं करना है, ट्रबल महसूस नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे और पुनः इन बातों को हम लोग क्लियर भी नए वीडियो में हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका जनरल एंट्री जो बनाएंगे, तो जनरल एंट्री जो हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जनरल एंट्री, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, बस हो गया है, थोड़ा सा ही ध्यान देना है। जनरल एंट्री के लिए हम लोग कैसे करते हैं देखिए, हम लोग कैसे बनाते हैं, ये आपका जनरल एंट्री जो बनाएंगे इसमें डेट का कॉलम होता है, आपको पता है ये आपका होगा डेट, ये होगा आपका पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स, ये होगा LF, लेजर ऑफ फोलियो, ये होगा RS, ये होगा RS, ये होगा DR, ये आपका होगा CR, ये होगा जर्नल एंट्रीज, JOURNAL, जर्नल एंट्रीज, ENTRIES, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द क्या हुआ, बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हो गया ए एंड आपका हो गया बी, ए एंड क्या होगा बी। पहले हम लोग जो बनाएंगे नया पार्टनर जो पूंजी लाता है, नया पार्टनर पूंजी कितना लाता है 13000, इसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट दिया, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं, कैश अकाउंट क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट आपका होगा डीआर, आर टू लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, सीज क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। इसके साथ आप नरेशन भी लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं, है ना, इसके नरेशन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका होगा कितना 13000, ये आपका कितना हो गया 13000 हो गया, ठीक है। ये सी के द्वारा कैपिटल आ गया है तो लिखेंगे बीइंग, नरेशन लिखना है बीइंग कैश ब्रॉट बाय सीज, माने सी के द्वारा माने क्या क्या है, कैश को लाया गया, नगद में लाया गया, ठीक है। उसके बाद अब ये जो माने प्रीमियम जो ये आया ये उधार आ गया, क्या क्या ऑन क्रेडिट आ गया, इसलिए ऑन क्रेडिट अगर माने गुडविल आता है न्यू पार्टनर तो इसके लिए एंट्री क्या बनता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या एंट्री बनता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स आपका सी है इसका एंट्री बना गया सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, याद रखिए सीज कैपिटल CAPITAL सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे डीआर टू, उसके बाद लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, एज लिखेंगे कैपिटल अकाउंट CAPITAL कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, एज आपका होगा क्या कैपिटल अकाउंट, उसके बाद लिखेंगे बीज, बीज लिखेंगे कैपिटल अकाउंट CAPITAL बीज क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, फिर जैसे नरेशन लिखते हैं वैसे ही नरेशन आपको क्या करना है, जैसे पहले बता देते नरेशन उसी हिसाब से नरेशन भी क्या करना है लिख देना है। इसमें आ गया सीज का कैपिटल आ गया कितना, गुडविल आया 5600, तो यह हो गया 5000 कितना 600,
इसका आ गया 2000 कितना आ गया 800, और इसका भी 2000 कितना है ये 800। बस बनकर का तो क्या हो गया, ये आपको बनकर क्या तैयार हो गया, लास्ट में आपका जीटी माने ग्रैंड टोटल आरएस आपको क्या करना है लिख देना है, ठीक है। इसको जोड़िएगा, 000 कितना का 0 होगा, 000 कितना का 0 होगा, 088 कितना 16 का 6, हाथ में 1 हो गया, हाथों का 3 1 4, 4 2 6, 6 2 कितना का ये 8 हो गया, 1 का कितना 1 हो गया, फिर इसको जोड़िएगा 0 का 0 हो गया, फिर 0 का कितना 0 होगा, 6 का कितना 6 हो गया, और 5 और 3 कितना गया 8 हो गया, और 1 का कितना 1 हो गया 18600, एक ग्रैंड टोटल हो गया, यही आपका भी उत्तर हो गया। हमको लगता है कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आप लोग इसको बढ़िया से क्या करें उतार लेंगे। अगर समझने में किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर आती है, कोई प्रॉब्लम अगर होती है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और ऐसे भी हम लोग मोबाइल नंबर दे रखे हैं वहाँ, उसमें भी आप जो है ना वहाँ से प्राप्त करके आप फोन से भी आप बात कर सकते हैं, आप बात करने के बाद अपनी समस्या को रख करके उसको सॉल्व भी आप करवा सकते हैं। थैंक यू।